बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके एनसीईआरटी में, ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में कुछ समिट्स हैं, सम्मेलन, और उसके साथ साथ कुछ एक्ट्स हैं, अधिनियम। इन दोनों को एक ही स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे। अच्छे चीज को रिवाइज करना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में दिख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले समिट्स को देखते हैं, सम्मेलन को देखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, समिट्स मतलब सम्मेलन लिखा है, फिर किस ईयर में वो हुआ था सम्मेलन उसको लिखा है, और किस रीजन से हुआ था, उसका रीजन क्या था, कारण क्या था, ये देखे हम लोग, ठीक है ना। तो देखें सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हिंदी में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही बोलते हैं, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहीं पर क्या हुआ था, एक समिट हुआ, सम्मेलन हुआ, और उसका आउटकम ही क्या था, उसका निष्कर्ष था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में। देखो जरा सा, 1987 में हुआ था और किससे संबंधित था, तो देखो जरा सा, ओजोन लेयर जो हमारा है स्ट्रेटोस्फीयर में, लगातार सीएफसी जैसे गैसेस हैं, उन्हीं के इमिशन से, उनके रिलीज करने से लगातार वो लेयर हमारा क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा है, पतला हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए एक वहां पे मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक समिट किया था, सम्मेलन किया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आज के डेट में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। 1987 आप याद रखिएगा। अगला अर्थ समिट, फेमस है ये, पृथ्वी सम्मेलन करके फेमस है ये अर्थ समिट, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एक, या रियो डी जेनेरियो एक टाउन है, एक सिटी है, वहीं पर ये हुआ था 1992 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और रीजन भी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का ह्यूज लॉस हो रहा है बहुत सारे रीजन से, तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए एक क्या हुआ था, बताओ, सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, जिसको हम लोग आज अर्थ समिट या फिर क्या कहते हैं, इसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। अगला क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना है, जापान का ऐसे ही एक सिटी है क्योटो, वहां पर CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को, उत्सर्जन को घटाने के लिए एक क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, ये हुआ था 1997 में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के हुआ था, मतलब मामला क्या था कि CO2 के इमिशन को कम करना है, घटाना है। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और अर्थ समिट। आ जाते हैं हम लोग तेजी से कहां पर, एक्ट्स में। तो यहाँ पर एक्ट्स को हिंदी में अधिनियम कहते हैं, किस ईयर में हुआ था, अगर इसमें कुछ सुधार करके गवर्नमेंट लाई है तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, उस ईयर को भी दिखा दिया है, मेंशन कर दिया है। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा जो वन संपदा है, उसके सुरक्षा के लिए अधिनियम आया था, ये आया था 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हिंदी में कहेंगे, 1972 में आया था। वाटर एक्ट, वाटर से रिलेटेड एक्ट आया था 1974 में। एयर एक्ट आया था 1981 में, ये तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा हम लोगों को, एयर एक्ट आया था 1981 में, और इसमें अमेंडमेंट, इसमें सुधार संशोधन किया था गवर्नमेंट 1987 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन पॉलिसी आई थी 1988 में। यहां पर क्या था, तो यहां पर क्या करना था हम लोगों को, कि जो भी प्लेन एरिया है वहां पर 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और जो हिली रीजन है वहां पर 67% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। यही कहां मेंशन किया गया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। एक है MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, एक कानून बनाया था 1971 में ही, और इसमें सुधार, इसमें अमेंडमेंट कब किया गया, 2017 में। तो ये आपके कुछ समिट्स हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ एक्ट्स हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। थैंक यू।